डोंट जंप ऑन द सोल्यूशन क्विकली, बिकॉज आपने एक क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लिया तो अगला क्वेश्चन टफ आने वाला है, यह आपको तैयार रहना पड़ेगा. लेट अस से आई वुड हैव टेकन अराउंड 30 मिनट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली 30 बट अराउंड 15-20 मिनट्स. उसमें कितने क्वेश्चंस थे इन दिस टेक्निकल राउंड? सो इस राउंड में अगेन देयर वाज आई गेस वन इंटरव्यूअर एंड आई गेस ही वाज अ SD2 फ्रॉम फ्लिपकार्ट इफ आई रिकॉल इट करेक्टली. नहीं, दो इंटरव्यूअर थे. देयर वाज वन पर्सन टू एनालाइज की मतलब क्या कैसे हो रहा है. तो शी डिडंट स्पीक मच, शी ओनली स्पोक फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड हाफ शी वाज, ये होता है, ये आई हैव, या आई हैव सीन, मतलब दो इंटरव्यूअर होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, वन वाज जस्ट एन ऑब्जर्वर, वो इन बिटवीन कुछ-कुछ बोलते हैं, बट मैक्सिमम टाइम जो सेकंड होता है दैट इज वो सारा चीजें लेते हैं. तो इसमें ठीक है, तो दो क्वेश्चंस हम लोग आते हैं, तो दो क्वेश्चंस किस-किस टॉपिक्स पे थे वो? हां, फर्स्ट क्वेश्चन आई फेल्ट इट वाज अराउंड DQ डेक. Like if you know deck, you can solve it quickly. Otherwise, थोड़ा सा implementation based आपको सोचना पड़ेगा. Deck बड़ा simple होता है, आपको आगे से पीछे से दोनों जगह से insert और pop कर सकते हैं आप. Implementation of deck, I guess. तो ये मेरे से मतलब ये उन्होंने code दिया, मतलब sorry code as in question दिया. मैंने test case देखे और मेरे को शायद 5 मिनट में click हो गया कि ये deck से हो जाएगा. And I did it in like 10 minutes. 10 minutes max. 10 minutes में code completion हो गया, time complexity हो गया. फिर उन्होंने test cases दिए. टेस्ट केसेस को रन कराए, मतलब टेस्ट केसेस को रन कराए. गूगल डॉक्स पे अपन कोड कर रहे थे तो आपको नीचे लिख भी देना था कि ये टेस्ट के लिए क्या आउटपुट आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म हो गया. एंड देन यू हैड 45 मिनट्स फॉर एन इंटरव्यू. एंड 45 मिनट्स फॉर एन इंटरव्यू इज अ लॉट ऑनेस्टली. एंड देयर केम अ मीडियम टू हार्ड ग्राफ लेवल प्रॉब्लम. इट वाज अराउंड एन अरी ट्रीज एंड वी कैन से इट टू बी सिमिलर टू ग्राफ. तो वो ग्राफ का ये प्रॉब्लम था और पहले देखकर तो मेरे को शायद लगा कि हो ही नहीं पाएगा ये. मतलब ऑनेस्टली आई वुड से आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो मेरे को तो डर लग गया था कि पता नहीं होगा कि नहीं. फिर थोड़ा सा समझे आप लोग, सवाल समझे, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखे, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई हैव लाइक स्ट्रेस्ड अपॉन अ लॉट कि आप कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखो इंटरव्यूअर के साथ. ज्यादा देर की शांति जो है ना वो मतलब थोड़े चांसेस आपके कम कर देती है. तो आई ट्राई टू कम्युनिकेट एज मच एज पॉसिबल विद द इंटरव्यूअर. फाइनली आई वाज एबल टू कम अप एटलीस्ट विद अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हम लोगों ने सॉल्व करके मतलब बता दिया कि हाँ ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से हो जाएगा. एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दे वर स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस, बिकॉज देर वॉज एन इंस्टेंस वेर आई didn't write the time complexity at the below the solution. I told them what the time complexity was, but हमने नीचे लिखा नहीं था. उन्होंने कहा कि आप ना नीचे time complexity लिख भी दो. तो time complexity हमने लिखा and उसके बाद भी a lot of time was left कि आपको ना optimized solution बताना है इसका. तो I tried hard, really hard. I was able to come close to regarding like tried to solve it using post order traversal. And after interview I even tried to ask कि was I thinking in right direction, and they said ki ha post order traversal tak it was okay. After that like it you went a little off track. So that was something which I felt ki I reduced my chances a little, because usually people who solve 2 out of 2 can have a stronger chance than a person who solved 1 out of 2. Second one I was able to solve in a brute force way, but I was not able to optimize it. Right, so a key takeaway for me in this round was like iske baad there was a hiring manager round also. Luckily, I got a call for that. But the key takeaway which I would like to stress upon for this round would be, don't jump on the solution quickly. Because aapne ek question easily solve kar liya, to agla question tough aane wala hai, ye aapko tayar rehna padega. Let us say I would have taken around 30 minutes to solve that question. Not exactly 30, but around 15-20 minutes. So that would mean ki, that would be in two things. पहला कि आपने वो क्वेश्चन पहले से देख या सॉल्व नहीं कर रखा है, इसलिए आपको ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन बिल्ड करना पड़ा. दूसरा आपका टाइम भी खर्च हुआ, क्योंकि आपने 10-15 मिनट में पहला क्वेश्चन कर लिया तो आपके पास 45 मिनट से दूसरा करने के लिए. तो अब इंटरव्यूअर को भी सोचेगा कि 45 मिनट्स में मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, तो थोड़ा तो लेवल मैं बढ़ाएगा ही उसका. राइट. तो द की टेक अवे आई वुड से फॉर दिस राउंड वुड बी कि आप थोड़ा टाइम लो. और कभी कभी ना ऐसा मतलब आई शुडंट से दिस ऑन कैमरा, बट टेक a little more time than what you are supposed to be, because it reduces the chances of a tough question coming after this question. Right. Because मान लीजिए कि आपके पास first question के बाद 30 minutes बचे हैं, 35 minutes बचे हैं, तो interviewer 30-35 minutes के according question frame करेगा और आपसे पूछेगा. आपके पास 45 minutes बच गए हैं एक question के बाद,
ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल बी टफ. और बेटर है, तो बेटर अ अगर टाइम, सजेशन राइट, अगर बेटर है टाइम है तो उस टाइम पे, मतलब मेरा भी ये सजेशन रहता है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से स्टार्ट करना है. अगर पता है कि टाइम है तो बेटर है ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करो, देन ऑप्टिमाइज करो. तो एक टाइम भी लगेगा उस चीज को, करेक्ट. और उसको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, तुमको बहुत सारी अप्रोचेस पे तुम काम कर सकते हो, तो वो वाली भी चीज रहती है. करेक्ट. एंड द फैक्ट दैट तुमने एक सोल्यूशन को ऑन स्पॉट बिल्ड करा है रादर देन एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन प्रेजेंट करा है, ये भी कभी कभी एक की टेक अवे हो जाता है कि हाँ इसने पहले ब्रूट फोर्स दिया, इसके बाद इसने थोड़ा सोचा और फिर एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकला. हो सकता है आपको वो सोल्यूशन पता हो, लेकिन इन जनरल यूजुअली यही होता है कि आप पहले एक ब्रूट फोर्स देते हो और फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंड राउंड. आई गेस सेकेंड राउंड वॉज हार्ड फॉर मी. Second question was hard for me. So then there was a hiring manager round. तो उसमें फिर मतलब किस point पे लगा कि now you are like rejected? कितने total maximum 3 rounds ही थे क्या? Yeah, 3 rounds. Last one was hiring manager round. I got the mail for that around after 2 weeks, around 6th of December, कि there is a hiring manager round on next day and the timing they scheduled for that. So a night to prepare for that, and then I went through some online resources ki what do you expect from a candidate in a hiring manager round, and I figured out ki there will be little discussion on projects, maybe he or she can ask you a question on data structures and algorithms here and there, aur fir hai na matlab mostly wo ek general discussion hota hai usually, it's right. not too technical because aapka do technical already cover ho chuka hai. So this is what I figured out from the internet. तो उसके अकॉर्डिंग आई ट्राइड टू प्रिपेयर एज मच एज आई कुड, एंड देन द हायरिंग मैनेजर राउंड वाज सपोज्ड टू बी ऑफ 1 आवर, बट द इंटरव्यूअर हैड सम वर्क, सो इट वाज फॉर ओनली 30 मिनट्स, एंड 30 मिनट्स में जो भी डिस्कशन हो सकता था वो हुआ. सो इट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन, देन अ डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट, देन वॉट प्रोजेक्ट आई वॉज करेंटली पार्ट ऑफ, एंड देन सम क्वेश्चन एज टू वाई फ्लिपकार्ट एंड क्वेश्चन लाइक दिस. Right. And a key takeaway which I felt would have made a difference for me at least would be I was not very confident because I had this in back of my mind ki mere se wo last question hua nahi tha, so mere chances waise hi bahut right. Yeah, तो this is something which मतलब अगर मेरे को time travel करके वापस जाना हो तो I would change my this approach ki for every interview is a little different from what you had previously. वो fresh start होगा, zero से start होगा. तो अगर आप पॉजिटिव अप्रोच और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में एंटर करोगे तो इवन दो लाइक यू डोंट नो द एक्चुअल आउटकम ऑफ द इंटरव्यू बट स्टिल यू विल गेट दिस फीलिंग कि हाँ यू केम विद कॉन्फिडेंस, यू ट्राइड टू बी एज पॉजिटिव एज यू कुड एंड नॉट गेट टू मच इनटू व्हाट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग इंटरव्यू वर देयर. सो दिस इज फेल्ट आई कुड हैव डन बट डन बेटर. सो हो सकते हैं कि ओवरऑल रिजेक्शन के दो रीजन रहे कि मतलब एक तो ये कॉन्फिडेंस जो हायरिंग मैनेजर राउंड में थोड़ा सा कम हुआ जो कि प्रीवियस राउंड की वजह से, और प्रीवियस राउंड में ब्रूट फोर्स अप्रोच ही बता पाने की वजह से जो दो क्वेश्चन थे वो पूरा बोल सकते हैं 1.5 आपने सॉल्व किए एक तरीके से, तो जो 0.5 मिस हुआ दैट वाज द रीजन. एक और रीजन ये था कि आई सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन टू क्विकली जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया सेकंड क्वेश्चन के लिए इंटरव्यूअर को भी और हमें भी. देयर इज अ चांस कि आप उस 45 मिनट्स का यूज करके एक अच्छा सॉल्यूशन बना ले जाते, बट फॉर मी दैट डिडंट हैपन. सो आई गेस इफ आई वुड हैव टेकन अ लिटिल मोर टाइम फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन तो शायद सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लगता है शायद इजी हो सकता था. आई मे बी टोटली रॉन्ग ऑन दिस एंड आई कैन बी, बट स्टिल आई थिंक हो सकता है शायद ऐसा हो जाता तो अच्छा होता. राइट. सो उसके बाद आपका, सो दिस वॉज द रीजन, मतलब तीन रीजन इन्होंने बताया तो मैं उसको एक बार फिर से बता देता हूँ. पहला तो ये था कि जो कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर कितना भी क्लियर हो कॉन्सेप्ट एक बार ट्राई करोगे, जितना भी ज्यादा क्लियर है तो टाइम कम लगेगा, बट ट्राई करो ब्रूट फोर्स अप्रोच से स्टार्ट करो. हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व करो, जितने भी सोल्यूशन बता रहे हो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व करो, बताओ इंटरव्यूअर को. और सेकंड चीज ये है कि अगर ब्रूट फोर्स पे है तो ट्राई करो कि ऑप्टिमाइज कर सको उसको. तो सेकंड प्रॉब्लम जो इनके इंटरव्यूज में हुई श्रेयांश के, सो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन वाला. एंड द थर्ड इज कि जब भी कोई एक इंटरव्यू हो फ्रॉम स्टार्ट आपको क्या है फ्रेश स्टार्ट समझ के करना है. जो लास्ट इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स हुई उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, इसको एज अ फ्रेश स्टार्ट ही कंसीडर करना है यहाँ पे. सो उसके बाद श्रेयांश का आई थिंक सेल्स फोर्स में भी एक रिजेक्शन एक्सपीरियंस रहा है, तो सेल्स फोर्स में हम लोग बहुत क्विक में एक बार बात कर लेते हैं. श्रेयांश, सेल्स फोर्स का अगेन इट वाज अ ऑफ कैंपस हायरिंग राउंड एंड आई अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन पर किसी से रेफरल मांगा, रेफरल मिल गया, एंड देन ऑनलाइन असेसमेंट लिंक केम. ऑनलाइन असेसमेंट हैड 3 questions, 3 DSA, प्योर DSA questions. You had to share your screen on the camera like it was a proctored assessment. तो उसमें मेरे से 2 questions हुए थे.
दो क्वेश्चंस हुए थे, तीसरा शायद होता या नहीं होता ये तो नहीं पता, पर मेरा टाइम तो खत्म हो गया था, तो मेरे से दो क्वेश्चंस हुए थे। एंड ये एक क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था, तो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड में क्या होता है कि कभी कभी स्ट्रिंग या ऐसी चीजें जब आ जाती है तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम आपका खर्च करती है, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रिंग्स बनानी होती है गिवन स्ट्रिंग्स से, सो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि फिर आपको रन करके कॉर्नर केसेस कवर करके इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सेल्सफोर्स का फर्स्ट राउंड में सेकंड क्वेश्चन हुआ, उसके बाद फिर आई गॉट अ मेल नेक्स्ट डे की इंटरव्यू होने वाला है, रेडी रहना। इट वॉज ऑन द सेम डे एज सेल्स फ्लिपकार्ट, एंड सेल्सफोर्स का दोनों इंटरव्यू हैपेंड ऑन द सेम डे, एंड देन आई हैड टू गो फॉर अ थर्ड इंटरव्यू ऑफ फ्लिपकार्ट। सो दैट वॉज द मोस्ट एग्जॉस्टिंग डे विच आई हैव लाइक एनकाउंटर्ड इन रिसेंट टाइम। सो सेल्सफोर्स का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट्स, एंड देन अ स्ट्रेट अवे डीएसए क्वेश्चन कि देयर इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑन लिंक्डइन एडिंग टू लिंक लिस्ट्स, एडिंग टू नंबर्स यूजिंग लिंक लिस्ट। इट इज अ लीड कोड मीडियम क्वेश्चन एंड इट इज वन ऑफ द टॉप लाइट क्वेश्चंस एज वेल। आई सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड या आई सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड द टेस्ट केसेस वर, एंड इसमें ये डिफरेंस था कि इसमें एक ऑनलाइन आईडी हैकर रैंक का एक प्लेटफॉर्म होता है कोड पेयर, यू हैड टू कोड ऑन दैट, सो इट वाज अ फुल फ्लेश्ड ऑनलाइन जजमेंट सिस्टम लाइक कोड फोर्सेस और हैकर रैंक, और आपको कोड करना है, रन करना है सिस्टम, जो टेस्ट केसेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपके कोड को चेक करेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ माय टेस्ट केसेस गॉट पास, सो दिस वाज अ गुड स्टार्ट। अ हैवी थ्योरेटिकल राउंड आई वुड से, क्वेश्चंस फ्रॉम ऊप्स, क्वेश्चंस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्वेश्चंस फ्रॉम डीबीएमएस एंड इवन क्वेश्चंस फ्रॉम जावा, बिकॉज मेरी इंटर्नशिप जो थी वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में थी, तो दैट हैड जावा एज वन ऑफ इट्स प्री रिक्विजिट्स, and right. I, that's that for that reason I had to write java in my resume. From java one or two questions were asked and I was not able to answer those because honestly I didn't knew this, and java was never my first language, it was only because See, I used java I can actually feel that mere sath bhi same scene hota hai in some of my recent interviews, so matlab wo javascript ke question pooch rahe hain, that can be easily solved with javascript, theek hai, I know the approach, but kabhi maine code hi nahi kiya javascript mein, so I always try to do it in cp CPP में, तो CPP में C++ में क्या होता है वो टाइम लगेगा, क्योंकि C++ की चीजें थोड़ी सी अलग है, जावास्क्रिप्ट और जावा की थोड़ी सी चीजें अलग है, तो वो सारी चीजें होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है ना वो एग्जैक्टली वो पूछना ही जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चाह रहा है, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही जावास्क्रिप्ट का है। तो एग्जांपल फॉर जावा माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज सिंगलटन क्लास, आई मीन इफ यू हैव नॉट स्टडीड जावा आपको ये नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, दिस इज व्हाट आई सेड, आई डोंट नो दिस। सो फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, क्योंकि आई फेल्ट डीएसए क्वेश्चन वाज आई वाज एबल टू सॉल्व, एंड only regarding this java issue I was not able to answer, only the questions from java I was not able to answer, rest all I was able to answer, I'm not sure how the interviewer perceived the answers, but at least I felt ki I gave the answers. So second round, first round was early in the morning from 10 to 11, second round was from 2 to 3, second round mein introduction, project discussion, again a question on tree, that question also I was able to solve. In this first I gave a n log n solution, and then I gave a n first I gave a log n big of n solution, then I gave a log n solution. So iske basis par it was a binary BST binary search tree ka question tha wo, to pehle ek in order traversal se answer aaya tha aur fir ek because binary search tree mein kya hota hai ki ek key ka diff matlab wo hota hai na ek property ki left subtree ka key jo hai wo root se होगा, और इसकी हेल्प से आई वाज एबल टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी टू बिग ऑफ लॉग एन। डीएसए अगेन आई वाज एबल टू सॉल्व, बट व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल हु वर देयर व्हिच वर प्रेजेंट ऑन इंटरनेट, और जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हुआ, कि सेल्सफोर्स फोकसेस अ लॉट ऑन थियरी, दे विल आस्क यू वन डीएसए क्वेश्चन बट थियरी दे विल आस्क यू अ लॉट, राइट, सीएस फंडामेंटल्स काफी इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं। क्वेश्चन वाज कंप्लीटेड इन अराउंड 20 टू 25 मिनट्स मैक्स, 20-25 मिनट्स या एंड रेस्ट one or rest 35 minutes or maybe 1 hour was heavily focused on again theory. And now let me tell you this thing, like you can practice DSA as much as possible, aapne par aapne ek bar theory chhod rakhi hai, so it is very difficult to like revise everything in 2 days, right? Sunday ko, Saturday ko I got the mail ki Monday ko interview hai, so I had around only 2 days to prepare OS, DBMS, I didn't prepare computer networks, but oops, and then you have to prepare for your project also. So, 4-5 cheeze ek saath aapko 2 din mein karna, it's very tough. Theory is what I felt was the difference in this right. company. Because right. So, CS fundamentals, yeah. Lot on right. CS fundamentals bahut important hote hain. So, agar CS fundamentals mein bhi doubt hai, right. So, aap jaake oops ki playlist dekh sakte ho meri. So, I basically created oops playlist also C++, theek hai. So, bahut sare mere... I read that, it's fantastic.
राइट सो मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी उस प्लेलिस्ट के लिए फॉलो करते थे, तो आप वो जाके देख सकते हो. ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी लाइव, तो वो भी आप जाके देख सकते हो. इसके बाद मैं एक्चुअली नेटवर्किंग और बाकी चीज़ें भी निकालने वाला हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो. उसके नोट्स के लिए आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो. उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे जा सकते हो, मैं वहाँ भी पोस्ट करने वाला हूँ. सो या कमिंग टू श्रेयांस, सो आई थिंक दिस वॉज द टू राउंड राइट सेल्सफोर्स में. या इसके बाद आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम सेल्सफोर्स कि थैंक यू फॉर योर थैंक एप्लीकेशन यू फॉर बट वी विल एवरीथिंग, नो लॉन्गर वी विल नो कंटिन्यूइंग राइट. विद योर रोल्स. या सो तो द टू कंपनीज वर कंप्लीटली ऑपोजिट. फ्लिपकार्ट डिडंट इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन सिंगल फ्रॉम क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल. एग्जैक्टली सेल्सफोर्स हेवीली दे आस्क्ड ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड यू हैड राइट. 2 days टू प्रिपेयर फॉर बोथ द टू कंट्रास्टिंग कंपनीज एंड दिस इज वेयर आई फेल्ट कि या माय पॉइंट ऑफ थोड़ा सा और सजेशन इज टाइम मिल आल्सो जाता तो सेम शायद. राइट. राइट, माय पॉइंट ऑफ सजेशन इज आल्सो सेम कि पहले सीएस फंडामेंटल फोकस करो 15 दिन ना, स्टार्टिंग के जब भी स्टार्ट करो 15 दिन 15 दिन सीएस फंडामेंटल करो. उसके बाद 2 महीना लगा के डेटा सेट करो, ठीक है. 2.5 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है. सीएस फंडामेंटल में बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी भी नहीं होती है. वो जो प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसमें सिर्फ 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 इंटरव्यूज की बातें हो रही है, ठीक है. तो सिर्फ इंटरव्यूज वाली चीजें पढ़नी रहती है, हमको क्वेश्चन चाहिए ही नहीं वहाँ पे. क्योंकि आप जाओगे तो यूट्यूब पे करेक्ट बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जिसमें थ्योरी में क्या होगा क्वेश्चन भी होंगे, बट एक्चुअली क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा होता है वहाँ पे. हम लोग को ट्रांजेक्शन कंकरेंसी पूछी गई है तो बेसिक पूछी जाएगी, ऊपर ऊपर की चीजें पूछी जाती हैं. नेटवर्किंग का 1 से 2 घंटे में सारी चीजें कवर हो सकती है. कुछ नहीं, सबका खुदा गीक्स सही गीक्स पे जाओ, टॉप 100 जो है नेटवर्किंग क्वेश्चन करो. मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटे पढ़ोगे ना सारे कवर हो जाएंगे. आई वुड बस एक सजेशन मेरे को ये देना था. जैसे कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स अप्रोच यही था कि जितना जल्दी से जल्दी ना आप एक अच्छा नोट्स बना लो सीएस यस फंडामेंटल्स का, फंडामेंटल्स का जिससे कि राइट. आप 2-3 दिन में ना केवल वो नोट्स को रिवाइज कर लो चलते फिरते खेलते कूदते और यू आर डन फॉर द डे एज फार एज सीएस फंडामेंटल्स इज कंसर्न एंड देन यू कैन लाइक कोड एज मच एज पॉसिबल फॉर डीएसए. क्योंकि सीएस फंडामेंटल्स क्या है ना, क्योंकि शायद आपको इतना यूज ना पड़े इनिशियल फेज में ऑफ योर करियर और इस वजह से आपको भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो आपने 2-3 दिन अच्छा रिवाइज कर लिया, फिर 4th-5th दिन आपने रिवाइज नहीं किया और आप भूल गए. तो इसको कवर अप करने के लिए आप हर 3rd-4th दिन आई यूज टू रिवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम्स डीबीएमएस एंड ऊप्स एंड इसकी वजह से ना आई मीन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द डेफिनेशंस वर वेरी क्लियर कि मेरे को खुद से कोई डेफिनेशन बनाना नहीं पड़ेगा, मेरे पास एक बना हुआ डेफिनेशन है, राइट हमें पता है वो मतलब क्या है उसका, हम जब बोलेंगे तो इंटरव्यूअर को भी उसका मतलब समझ में आ जाएगा. तो अब बिल्कुल एक डिफरेंस जो ये था कि मेरे को आंसर बनाना पड़ता, वो हो सकता है शायद सही बनता है शायद सही नहीं बनता. इससे बचने के लिए आप एक रेडीमेड जो आंसर अवेलेबल है वो आप समझ लो और वो आप तरह से अपने दिमाग में बैठा लो. जैसे यू आर शेयरिंग योर नोट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ऊप्स, दे हैव अ सेट ऑफ आंसर्स फॉर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. इफ वन नोस दो सेट ऑफ आंसर्स, उसको भी समझ में आ जाएगा उस आंसर के थ्रू और वो आंसर जब वो इंटरव्यूअर को देगा तो इंटरव्यूअर को भी समझ में आ जाएगा और इंटरव्यूअर फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो वो डिफेंड भी कर लेगा. पर रादर देन पर इससे अच्छा अगर हम खुद से वो आंसर प्रिपेयर करते तो शायद हम कोई एक पॉइंट मिस कर देते और फिर शायद हमें लगता कि शायद वो आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है पूरा. या एक बार क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, मतलब एक बार टॉपिक्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, उसके बाद इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. और ऊप्स वगैरह में क्या करते हैं लोग, सिर्फ सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं. तो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ के जाना है, गंडम जब पूरा गोल गोल हो जाएगा, ठीक है. तो उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा, उन्होंने कॉन्सेप्ट पूछा, मैक्सिमम क्या होता है वो मेथड ओवर राइडिंग पूछा, उन्होंने मेथड ओवर लोडिंग पूछा. उसके बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन रहता है उसमें इनहेरिटेंस में, ठीक है. इनहेरिटेंस में वो डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस पूछेंगे. उसके बाद आपसे पूछेंगे कि बेसिकली करेक्ट, आप गिव अस डायमंड प्रॉब्लम. हाँ राइट, तो वो बोलेंगे इंप्लीमेंट करके दिखाओ. तो वहां पे क्या होगा, अगर आपको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं पता है प्रॉपर अटक जाओगे वहां पे, ठीक है. तो इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो बाकी लोगों में. ओएस की प्लेलिस्ट आ चुकी है ऑलरेडी लाइव और सारी चीज़ें जो भी कवर करेंगे हम लोग उसमें सारी इंटरव्यू से रिलेटेड होंगी, तो उसके लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में. और अगर अभी तक आपने जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोट सारी चीज़ें सारे इन्फॉर्मेशन वो हम लोग वहीं पर देने वाले हैं. और हम लोग संडे को लाइव भी आते हैं, कुछ कुछ अल्टरनेट संडेज में हम लोग लाइव भी आते हैं, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन लिंक टेलीग्राम चैनल पर ही आती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का जो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम है दैट इज़ ऑलरेडी लाइव, तो रजिस्ट्रेशन उसके लाइव है, आप जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. सो न्यूटन स्कूल क्या करते हैं, बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको मेंटर करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल पेनी, ठीक है. 6 मंथ आपको वो मेंटर करेंगे, उसके बाद आपको हेल्प करेंगे इन योर जॉब, ठीक है. एंड अनटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस दे आर नॉट चार्जिंग सिंगल मनी और उनका बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, तो जाके एक बार उनकी वेबसाइट चेक करो. कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सएप नंबर वो जो है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.